क्लास फोर का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका लास्ट पार्ट है। आज वी आर लर्निंग अबाउट हाउ प्लांट्स मेक फूड, द थर्ड चैप्टर इन साइंस। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट फूड इज नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट नाउ we come to know that some plants do not make their food। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो उन्हें भी भोजन चाहिए। वे कहाँ से लेते हैं? From where they get food? Here two examples are given of such plants that do not make food। The first is parasites। Some plants are parasites। Parasites कहते हैं परजीवी को जो अपना भोजन दूसरे से लेते हैं और बदले में उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे भी पौधे हैं कुछ प्रकृति में। पैरासाइट्स आर दोज प्लांट्स दैट फीड ऑन अदर प्लांट्स। सम प्लांट्स फीड ऑन अदर प्लांट्स एंड दे आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। फॉर एग्जांपल डोडर। उससे पहले हम लोग जाने कि ऐसा क्यों होता है कि वे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। वी नो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। बट सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स, सो दे नीड फूड टू ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेस। पैरासाइट्स ईट, पैरासाइट्स टेक देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स बिकॉज दे हैव नो क्लोरोफिल। The common example is dodder. Dodder is a common climbers that climbs with the help of other plants and also takes food from the other plants. Dodders have a spines. A spine means कांटे। इनमें कांटे होते हैं। With the help of a spine, dodders connected with the other plants and suck the juice of other plants. ये अपने कांटों की मदद से दूसरे पौधों से जुड़ते हैं और उनसे उसका रस चूसते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज मिसेल्टो। मिसेल्टो इज ऑल्सो अनदर पैरासाइट विच ग्रो ऑन लार्ज ट्री लाइक मैंगोज। आम के पेड़ों के साथ ये पाए जाते हैं और उसी से अपना भोजन देते हैं। सो डोडर एंड मिसेल्टो आर पैरासाइटिक प्लांट्स that cannot make their own food। Second example is insectivorous। Insectivorous means कीट भक्षी। सुनकर आश्चर्य होगा, कुछ पौधे कीड़ों को भी खाते हैं। Some plants catch and eat insects। They are called insectivorous plants। ऐसे पौधों को कीट भक्षी पौधे कहते हैं जो कीड़ों को पकड़ते हैं और खाते हैं। But they are green, वे हरे होते हैं। And they are able to make their own food, अपना भोजन बनाने में भी सक्षम होते हैं। Insectivorous plants have green pigment also and they prepare their own food. But they need nitrogen which is not present in the soil where they grow. इन्हें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि जिस मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। So, to fulfill the need of nitrogen, insectivorous plants catch the insects. For this, they have beautiful, colorful leaves. इसके लिए इनकी पत्तियां बहुत रंगीन और चटकीली होती है। Insect sits on these leaves. इन पत्तियों पर कीड़े बैठते हैं and these plants catch them. और ये पौधा जो है अब उन्हें पकड़ लेता है। कॉमन एग्जाम्पल इज पीचर प्लांट। कलश पौधा इसको हिंदी में कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए पीचर, कलश घड़ा की तरह होता है जिस पर कीट बैठते हैं, तो इसका ढक्कन बंद हो जाता है और कीट अंदर चला जाता है। इस तरह से इंसेक्टिवरस प्लांट्स भी उस श्रेणी में आते हैं जो दूसरे कीड़ों को या दूसरे स्रोत से भोजन लेते हैं। यहाँ पर हमारा यह चैप्टर समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम लोग इसका वर्क देखेंगे अलग से जो हम अगला बार आएंगे। तो
इसके वर्क के साथ आएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर डील करेंगे, जिसे आपको नोट करना होगा और फिर लिख करके रखना होगा। आज के लिए इतना ही।